स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। और मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है पासाई बाल सहारनपुर से। और आज अनुष्ठान का है पंचम दिवस, और जो अनुष्ठान है पूर्णावती की ओर जा रहा है, और आज पूर्णावती हो जाएगी। तो अभी विप्र बंधु अभी यहाँ पर कर रहे हैं तैयारी, कोई भोलेनाथ जी का श्रृंगार कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पुरुष जी यहाँ पर अम्मी पे लगे पड़े हैं, और यहाँ पर पुरुष जी हमारे भगवान के लिए षोडशोपचार पूजन के रूप में फल फूल दूध दही घी शक्कर तैयारी कर ली है। और देखें ये पूर्णावती का जो गोला है इसकी तैयारी चल रही है। इसमें घी डाला जा रहा है, इसे सिरपल आप देख पा रहे होंगे, और इसमें घी भरा जा रहा है। अभी जो पूर्ण इसी से यज्ञ अनुष्ठान होता है। तो अभी यहाँ पर हो रहा है भोलेनाथ जी का श्रृंगार। भोलेनाथ जी को जो पार्थिव शिवलिंग है उनको बनाया जा रहा है। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ भोलेनाथ जी के लिए। ये देख रहे हैं आप, पार्थिव शिवलिंग तैयार हो गया है, और चंदन टीका अभी हो रहा है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। और अब मैं आपको ले चलता हूँ यज्ञ कुंड की तरफ। बताए आप चाय सिवान से लाके हमारे लिए चाय दिखाना। चाय की चाय 3 कप और 1 कप कॉफी है। तो ये आप कुंड देख रहे हैं, कुंड की लिपाई वगैरह हो गई है, और अब कुंड को सजाना रह गया है। और अभी अभी चाय आ गई है, तो चाय का भी आनंद ले लेते हैं। गाइज अभी पंडित जी अंदर पूजा करने में लगे हैं, पूजा थोड़ी देर में समाप्त होएगी, फिर उसके बाद यहाँ पर हवन की सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है। अब यहाँ पे हवन होगा, और अब लेके चलते हैं आपको जहाँ पे प्रसाद बन रहा है हवन का। ये रही हमारी छोटी गुड़िया, ये रही वो जगह जहाँ पर प्रसाद बन रहा है हवन का, और हवन के बाद जो प्रसाद मिलेगा वो प्रसाद यहाँ पे बन रहा है जो बटेगा सबको। और यहाँ पे क्या क्या बनाया है बताओ, हमारे कैमरे में बताओ क्या क्या बनाया है आपने। आलू की सब्जी है, कद्दू है, पूरी है, हलवा है। अच्छा, कितना कुछ बनाया है।